हेलो डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे बैठे बैठे कुछ दिमाग में चल रहा था तो सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ हेलो एवरी वन माई सेल्फ एम डी एफ रोज और शॉर्ट तरीके से मुझे द यंग नेटवर्कर के नाम से भी जाना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लाइक भी करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था ये बात है कि दोस्तों आज बात करें तो हम इंडियंस इतने गरीब क्यों हैं हमारे इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री होने के बावजूद भी आज इंडिया तक गरीब क्यों है इंडिया में इतने ज़्यादा लोग हैं उसके बाद भी इंडिया गरीब क्यों है पता है दोस्तों हम हर एक इंडियंस के घर के घर के अंदर का माइंड क्या है कि अगर एक इंसान पैसा कमा रहा है ना तो पैसे कमा रहे हैं घर पर घर का दो बंदा अगर पैसे कमाएगा तो और ज़्यादा पैसा आएगा घर का तीन बंदा अगर और पैसा कमाएगा तो और ज़्यादा पैसे आएंगे घर का चार बंदा अगर पैसे कमाएगा तो और ज़्यादा घर पे पैसे आएंगे बिल्कुल सही बात है जितने ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे उतना ज़्यादा पैसा हमारे घर पे आएगा और उतना जल्दी हमारी फैमिली रिच बन पाएगी लेकिन अगर यही बात सही है तो मुझे इस चीज़ का कोई जवाब दे दे कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री में आता है सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हैं उसके बावजूद भी आज इंडिया गरीब क्यों है जिस कंट्री में ऑनली एकदम छोटे से बीस हजार पचास हजार एक लाख बीस लाख पचास लाख इस तरीके के लोग हैं वो लोग अमीर बड़े पड़े हैं इंडिया से भी ज़्यादा रीज़न पता है दोस्त क्या है पता है सबसे बड़ी चीज़ हम इंडियंस को शर्म बहुत आता है शर्म किस चीज़ में आता है पता है ना तो किसी को गाली देने में शर्म आती है ना खुद के माँ बहन करवाने में शर्म आती है ना किसी और की माँ बहन करने में शर्म आती है ना ही चोरी चमारी कुछ भी गलत सलत लड़कों को कमेंट लड़कियां लड़कों को कमेंट छिछोड़ाबंदी करने में किसी भी तरीके का हमें शर्म नहीं आता शर्म किस चीज में आता है पता है उस काम को करने में आता है जिस काम को करके हर एक इंसान जिंदगी में रिच या सक्सेसफुल बन सकता है किसी की गुलामी करने में किसी का तलवा चाटने में हमें जरा सा भी इत्तू सा भी शर्म नहीं आता लेकिन हमें शर्म उस चीज में आता है कि जब हम किसी भी इंसान के पास जाएं किसी भी चीज़ को सेल करने जाएं किसी भी चीज़ के बारे में बताने जाए और वो इंसान अगर हमें ना कह देता है क्योंकि उस इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं होता तो वो हमें ना कर देता ऑब्वियसली कि भाई हमें ये चीज़ नहीं करना हमें ये काम नहीं पसंद आपका ये प्रोडक्ट नहीं पसंद आपका ये सर्विस नहीं पसंद वो बंदा अगर ना बोल देता है तो बस हम शर्म के मारे इतना पानी पानी हो जाते हैं कि उस इंसान के बाद किसी और दूसरे इंसान के पास हम अपने उस सर्विस अपने उस प्रोडक्ट अपने उस काम को लेके जाते ही नहीं है छोड़ देते हैं भाई बड़ी शर्म आता है यार इंसान सीधा मुंह पे बोल देता है मुझे नहीं करना मुझे नहीं लेना तुम्हारे ना प्रोडक्ट चाहिए ना सर्विस चाहिए ना तुम्हारा हमें ये काम पसंद है बस हम शर्म के मारे वो चीज़ बंद कर देते हैं मेरे दोस्त इतिहास गवाह है और पूरा वर्ल्ड गवाह है जो इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल और रिच बना है ना वो इंसान पहला ऐसा इंसान जो रिक्स ले सकता है वही जिंदगी में रिच एंड सक्सेसफुल बन सकता है दूसरा जो कुछ बेच सकता हो कुछ बेचता हो कुछ सेल्स करता हो चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो चाहे वो एजुकेशन हो चाहे अपना मोटिवेशन हो अपना बोली हो कुछ भी जो इंसान बेचता है वही इंसान ज़िंदगी में जिंदगी में कामयाब और अमीर बनता है या नहीं तो वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब बनता है जो इंसान ज़िंदगी में रिक्स लेता है डियर फ्रेंड मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है गूगल आपके पास है और आप भी आज की जिन... के दुनिया में और आज के टाइम में हर एक सक्सेसफुल इंसान को जानते हैं चाहे वो धीरे भाई अंबानी हो चाहे वो रतन टाटा हो चाहे वो बिलगेट्स हो चाहे वो मार्क जुगरबर्ग हो चाहे वो कोई भी इंसान हो आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिए ना वो इंसान जिंदगी में आज रिच ऑन सक्सेसफुल कैसे बना या तो बंदा रिक्स लिया होगा जिंदगी में यानी तो वो बंदा कुछ बेचता होगा ये दो में से एक ही चीज हो सकता है बट हम और आप करते क्या है और हम और आप एक सेफ जॉब खोजते हैं एक सेक्ड नौकरी अच्छी खासी पढ़ेंगे लिखेंगे और किसी का गुलामी करेंगे भले वो बंदा हमारी माँ बहन एक कर दे कोई दिक्कत नहीं गालियां सुनेंगे सुपरवाइजर की सुनेंगे बॉस की सुनेंगे कंपनी तनख्वाह चार महीने रोक देगी कोई तकलीफ नहीं है फिर भी साला जॉब ही करेंगे आठ घंटे काम करवा ले या बारह घंटा काम करवा ले कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो भाई नौकरी बनेंगे नौकरी ही करेंगे जिंदगी में और कोई सोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में कामयाब होने के लिए माई डियर फ्रेंड एक ही बात बोलूंगा नौकरी करेंगे ऑलवेज नौकर ही रह जाएंगे और जिंदगी गुलामी करते हुए कट कर जाएगी हर एक जॉब करने वाला इंसान का हिस्ट्री देख लीजिए वो बंदा बस अपना ईएमआई भरते भरते ही साल मर जाता है जिंदगी में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता जिंदगी में कम से कम आप अपना एक सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं ना कुछ भी आप बेचना स्टार्ट है करते हैं चाहे वो एक चाय ही क्यों ना हो तो आप अपने चाय के दुकान पे ना कुछ दिनों के लिए आप किसी नौकर को बैठा करके अपने उस काम को करवा सकते हैं और आप अपने फैमिली के साथ कहीं और जा कर के इंजॉय करने जा सकते हैं मस्ती करने जा सकते हैं आपका तबीयत खराब हो तो आप अपने दुकान पे किसी और को बैठा करके आप अपना ख्याल रखवा सकते हैं घर पे आराम कर सकते हैं और आपका बिजनेस रुकेगा नहीं लेकिन अगर आप करोड़ों कमाने वाले जॉब में भी बैठे हों और अगर आपका तबीयत एक महीने के लिए भी खराब हो जाता है ना दोस्त और अगर आप एक महीने के लिए बैठ गए तो जॉब जो बॉस है ना आपका ऐसा लात मार के बाहर निकालेगा कि दूसरी बार आपको एंट्री भी नहीं देगा ठीक है चाहे आपकी तकलीफ कितनी भी क्यों ना हो ज़िंदगी में आप कोई भी इंजॉयमेंट अपने लाइफ स्टाइल इन्जॉय नहीं कर पाएंगे आप पैसे बेशक कमाएंगे करोड़ों का पैकेज बट जिंदगी का जो मज़ा है ज़िंदगी जीने का मज़ा वो यूज़ नहीं कर पाएंगे डियर फ्रेंड वक्त के साथ साथ खुद को बदलते ही चाहिए ज़िंदगी में हम लोगों ने हर एक चीज़ को अपग्रेड कर दिया पहले के दिन पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए इंसान को चिट्ठियाँ भेजनी पड़ती थी फिर टेलीफोन का ज़माना आया फिर वॉइस कॉल के मोबाइल्स का ज़माना आया फिर वीडियो कॉल का ज़माना आया आज व्हाट्सअप का ज़माना है इंस्टाग्राम का ज़माना है पहले के दिनों में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे आज वही इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन बस बाइक एयरप्लेन ना जाने किन किन चीज़ों की इस्तेमाल करता है इंसान पहले के ज़माने में बस गेहूं की रोटी और मक्के का रोटी खाता था आज के ज़माने में वही इंसान फास्ट फूड खाता है दोस्तों पहले के ज़माने में इंसान कुर्ता पैजामा ओनली पहनते थे आज के ज़माने में वही इंसान टी शर्ट जीन्स और ना जाने क्या क्या चीज़ें पहनते हैं यानी कि दोस्तों हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल के हर एक चीज़ को चेंज कर दिया सिवा एक चीज़ के वो कमाने का तरीका आज से पचास साल पहले भी हमारे इंडियंस के माइंड सेट में एक ही चीज़ था गुलामी करना क्योंकि हमें गुलामी करना ही सिखाया गया अंग्रेज आए हम इंडियज को पूरा गुलाम बना करके चले गए और आज तक सला हम गुलाम ही हैं हमारे माइंडसेट में आज भी वही है पढ़ना है लिखना है एक अच्छी सी नौकरी करना है बॉस का तलवा चाटना है चाहे वो मेरा कुछ भी कर दे ठीक है ना तो जिंदगी में कभी रिस्क लेने का सोचना है और ना ही जिंदगी में कभी कुछ बेचने का सोचना है क्यों क्योंकि बेचने जाएंगे चाहे अपना प्रोडक्ट चाहे अपना सर्विस या अपनी कॉन्सेप्ट

और एक बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस के जरिए से सोचेंगे या सोचेंगे उससे आप जिंदगी में रिच एंड सक्सेसफुल बन जाए तो भूल जाइए जमाना चेंज हो गया बड़े बड़े जो मॉल्स थे ना वो लोग मक्खी मार रहे बैठ के आज पैसा कौन कमा रहा है अमेजोन वाले फ्लिपकार्ट वाले स्नैपडील वाले क्यों और हालांकि बताइए पैसा कमा तो रहे बहुत अच्छा खासा आज वर्ल्ड का टॉप अमीर इंसान के लिस्ट में है जैब बेजोज जो आपका अमेजोन का मालिक है बंदे के पास है क्या खुद का कुछ भी है अमेजोन नाम का एक सॉफ्टवेयर है अमेजोन नाम का एक एप्लीकेशन है उसके अलावा कुछ नहीं है उसका ना तो उसका कोई प्रोडक्ट है ना ही उसका कोई सर्विस है कुछ नहीं वो करता गया है एक कस्टमर को एक सेल्समैन से मैच करवा देता है यहाँ से यहाँ तक का बस कनेक्ट करवा देता है दो लोगों को ऐसे कनेक्ट करवा देता है बीच में खड़ा खड़ा सला पैसा बना रहा है ठीक है तो दोस्तों पैसे कमाने के तरीके चेंज हो गए अब जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का है अब जमाना एफिलिएट मार्केटिंग का है अब जमाना ई कॉमर्स का है अब जमाना ऑनलाइन बिजनेसेस का है अब जमाना क्रिप्टो करेंसी का है पुराने जमाने के तरीके को बदलिए दोस्त तभी जाकर के नए जमाने में पैसे कमा पाएंगे वरना अपनी किस्मत और अपना देश और अपना घर वालों को ही कोसते जिंदगी पार हो जाएगी कि साला मेरा नसीब ही खराब है मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट ही नहीं करता हमारे इंडिया में काम ही नहीं है हमें कोई काम ही नहीं मिलता हम करें क्या कमाएं कैसे हमें कुछ समझ ही नहीं आता बस शिकायतें करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये शिकायत कभी खत्म नहीं होगी दोस्त ठीक है मौका आपके पास भी है आज ही एफलेट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेसिस ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट कुछ भी या क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर तो साबित हो चुका है किसी भी चीज पे लग जाइए जिंदगी आपकी है वक्त ना बर्बाद करके जिंदगी को आबाद करने की कोशिश कीजिए उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें पसंद आई होगी अगर किसी भी तरीके का आपको बुरा लगा होगा तो हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो